अच्छा क्या ये भी एथिक्स है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो लेकिन जितना कमिट किया मैंने आपको उतना दे दिया अगर मैं आ, मेरे अपने प्रॉफिट को देखूं कि वो बहुत ज्यादा हुआ है कभी बैंक ने आपसे जो कमिट किया हो ऐसा हुआ कि उसी पैसे से उन्होंने ज्यादा बिजनेस कर दिया हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ हो लेकिन उन्होंने लाख पर ग्यारह सौ से ज़्यादा दे दिया हो आपको नहीं कभी नहीं होगा ऐसे क्योंकि उन्होंने जो तय किया है वो उनके लिए एथिक्स है ये एथिक्स उनके पास नहीं है ये आपकी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी है लेकिन ये जो सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल मुझे वाकई सोलह हज़ार मिला है तो मैं आपको आठ हज़ार का प्रॉफिट दे दूँ तो जो कमिट तो नहीं है लेकिन इसका करते क्या इसलिए जब हमारा इस्लामी निज़ाम बना तो मुदारबा मुशारका में आप देखें तो कहते हैं कि इसको फिक्स मत कीजिए इसलिए हमने कहा कि इंटरेस्ट को जो है वो हमें कुछ और रिजल्ट से देखना पड़ेगा किसी और लेंस से देखना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा ताकि हम उसके एथिक्स को डिफाइन कर सकें बट अब तक मैंने जो आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर का दर्जन बारह का नहीं होता तेरह का होता है छब्बीस का भी हो सकता है और सोलह का भी हो सकता है तो याद रखिए एंटरप्रेन्योर का दर्जन हमेशा सोलह या तेरह या सत्रह अठारह का होता है यानी वो ज्यादा देते हैं सोय so, अनारकली में एक जगह है जहाँ पर जूस कॉर्नर है तो so, वो साहब जो हैं वो उसको आ, उनको जो एक गिलास वो जूस देते हैं एक तो पानी नहीं डालते उसके अंदर किसी किस्म की तकलीबकारी नहीं करते बढ़ाते नहीं और साथ हाफ ऑफ द ग्लास और देते ये उनकी एक सक्सेस स्टोरी बन गई और वो रिटर्न जब लेके जाते हैं तो पिकअप के अंदर कम अज़ कम तीन चार लाख पर डे लेकर जाते और उनके पास आने वाले लोग पुश स्ट्रेटजी पर नहीं बल्कि पुल स्ट्रेटजी पर आते हैं यानी लोगों को पता है कि म्यारी चीज और उसका दर्जन जो है वो तेरह का है चौदह का है पंद्रह का है उसको एथिक्स के मुताबिक तो दर्जन को दर्जन दे दें दे और सही दे दें लेकिन बिजनेस के अंदर आम तौर पे दर्जन के अंदर भी बेईमानी करके छह होते हैं यानी होते तो वो बारह हैं लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी बेशी करके उसकी कुछ ना कुछ हरकत करके उसे कम में दिया जाता है यानी बचाना क्या है कॉस्ट रिड्यूस द कॉस्ट रिड्यूस द वेस्ट रिड्यूस reduce दिस reduce salaries, ह्यूमन रिसोर्स रिड्यूस blah रिड्यूस एंड कंपनसेशन ब्ला मैक्सिमम आपने रिडक्शन पे लाना है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है is that the ethics? No, it is not. अगर आप जो चीज कमिट कर रहे हैं उतनी दे दें तो एथिक्स पूरे हो जाते हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के एथिक्स डिफरेंट एस माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स नीड्स This is what I'm saying. Yehi to example di us juice corner wale Market incentives make that happen in the system of capitalism. As people's wealth rises, the financial incentive to serve them rises. As their wealth falls, the financial incentive to serve them falls, falls until it reaches zero. We have to find way to make the aspects of capitalism that serve the wealthier people. Sir, poorer people as well. Now, business ethics is a set of law about how the business should conduct itself in a society, including their legal, human, and social responsibilities. Iska ek hum a model bhi dekhte hain. कि आप अगर इन चार क्वाड्रेंट के ऊपर देखें तो मैं यहां देखता हूं कि कॉर्पोरेट डिसीजंस है मैनिफेस्टेशन है कोडिफिकेशन है and then it's एथिक तो ये क्वाड्रेंट चार बनेंगे One is ethical. इलीगल लीगल अनएथिकल तो इन चारों कॉर्डन के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरी कोडिफिकेशन मैनिफेस्टेशन और जो मेरे कॉर्पोरेट डिसीज है वो मेनली इसी चीज पर डिपेंड करेंगे तो कॉर्डन वन के अंदर देखिए एथिक्स एंड लीगल लीगल मोस्ट एंटरपिन्योरियल बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल इनोवेटिंग अ प्रोडक्ट दैट नो अदर कंपेटिटर है उसका कंपटीशन ही मार्केट में नहीं है किसी ने सोचा नहीं है जब कंप्यूटर आया था आई आया था और फिर उसके बाद मैकन ने दुनिया बदल दी फिर उसके बाद दुनिया टच पर चली गई एक जमाना ये भी था कि आइडिया तो मैकन का टच पर था और आज भी सैमसंग का प्रॉफिट कम में कंपटीशन में नहीं आता लेकिन उसके बाद चाइना के बहुत सारे कंपेटिटर आ गए ये कितना बड़ी अनैथिकालिटी है, है कि जिस जमाने के अंदर अमेरिका ने एक ऐसे चाइनीज सॉफ्टवेयर को माइनस कर दिया और उसके कंपनी uh, के ऊपर लीगल चार्जेस लगाकर उनको जेल किया ताकि उनका जो सिस्टम है वो उससे ऊपर चला गया था उनके पास कोई लॉजिक नहीं था सिर्फ ये कि उनका सिस्टम ऊपर चला गया आपने उनको जेल कर दिया इज एथिकल सिस्टम सो इसलिए तो कहते हैं कि दिस इज द रेड ओशन स्ट्रेटजी वेर देयर इज कंपटीशन इज कंप्लीट ब्लडी थ्रोट टू थ्रोट कंपटीशन यहां पे एक दूसरे के शेयर्स को मारना है। खत्म करना है काटना है दूसरे को में देखिए जी एथिकल बट इन लीगल राइटिंग पोस्ट डेट चेक वेन द सप्लायर एग्रीज़ टू वेट टू कैश इट आंटिल योर नेक्स्ट मानस रेवेन्यू। मैंने अपनी तारीख के अंदर जितनी मेरी छोटी सी तारीख है उसमें मैंने बहुत से ऐसी चीजें देखी हैं और मैं देखता हूं कि डिसऑनर होना पाकिस्तान का कल्चर और मैंने इतनी ज्यादा डिसऑनर चेक्स या तो अमेरिका में देखे होंगे या मैंने यहाँ देखी ये अनएथिकलिटी ऑफ द बिजनेस है लेकिन जहां आपने माल ले लिया जैसे मैंने आपको चिट बताया जहां एथिक्स है वहां एक चिट काम करती है चेक का लेकिन अगर आपके पास एथिक्स नहीं है तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चेक बाउंस हो जाते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तो जब ये होंगे तो फिर आपने देखा होगा मैंने आपको बताया फ्रॉजरी आई हैव सीन बाय माय माईज मेनी थिंग्स आपके चेक साइन के साइन को फ्रॉज कर देते हैं स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं एक लाख एक हजार एक सौ समझ लिखा है तो एक को दो कर देंगे इतनी बड़ी फ्रॉजरीज सो so, यहां पे जब आप देखते हैं कि फ्रॉजरीज हैं बेईमानी है फ्रॉडलेंट एक्सरसाइजेस हैं क्वाड्रेंट में देखते हैं अनएथिकल एंड इनलीगल एक हो गया और फिर कहते है हैं अनएथिकल और एंड लीगल व्हाट इज अनएथिकल एंड लीगल जी लेट्स आइडेंटिफाई एंड देन वी विल मूव ऑन कि जी इनिशियट अस्टाइल टेक ओवर फॉर अ स्मॉल बिजनेस द समन हैड वर्क सो हार्ड टू बिल्ड सो इट इज ऑन एथिकल बट लीगल लेकिन अब इसके लिए भी आपने डिफाइन करना है एंटरप्रन किस चीज को लेते हैं और किस तरह के कॉपरेटिव डिसीजन लेते हैं थैंक यू वेरी मच